नमस्कार दोस्तों, दिस साइड सुनाल त्यागी एंड यू आर वॉचिंग आर यूट्यूब चैनल पैरेलल वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज हम सैमसंग गैलेक्सी M51 और वन प्लस नोट का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन है, उनके जो स्पेक्स है वो लगभग सेम सही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस स्पेसिफिकेशन की जिसके लिए गैलेक्सी M51 काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है बैटरी। तो दोस्तों, गैलेक्सी M51 में आपको 7000 mAh की बैटरी विद 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। वहीं पे वन प्लस नोड में आपको 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 30 वोल्ट आउटपुट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बैटरी में तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि बैटरी में सैमसंग गैलेक्सी M51 काफ़ी बढ़िया है वन प्लस नोड के कंपेरिजन में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेज के बारे में। तो डिस्प्ले जो है, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों, डिस्प्ले वाइज दोनों ही स्मार्टफोन बेस्ट हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमराज के बारे में। तो दोस्तों, गैलेक्सी M51 में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, वहीं पर आपको वन प्लस नोड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, कैमरा वाइज सैमसंग गैलेक्सी M51 वन प्लस नोड को बीट कर देता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और वहीं पर वन प्लस नोड में आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर वाइज वन प्लस नोड गैलेक्सी M51 को एब्सोल्युटली बीट कर देता है दोस्तों, कमाल एकदम। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, वन प्लस नोट जो है आपका, वो आता है 25,000 का 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में। वहीं पर जो गैलेक्सी M51 है, उसका प्राइस अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो जो है वन प्लस नोट के प्राइस रेंज के बीच में ही आएगा, 25-26 हज़ार तक आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे भी जो प्राइस है वो आपको मैं कमेंट में अपडेट करके बता दूंगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है अपने मेन कंक्लूजन की। अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसे स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिले, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कर सके, तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M51 को परचेज कर लीजिए। और वहीं पर अगर आपको दोस्तों, आप हैवीली यूज़र, आपको गेम खेलना पसंद है काफ़ी, फ्री फायर और पबजी हो गया, आपको खैर अब तो पबजी बैन हो गया, और कॉल ऑफ ड्यूटी और 4G आने वाला है, उस वो गेम खेलना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 100% आप वन प्लस नोट की तरफ जाइए, क्योंकि दोस्तों उसमें जो आपको प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।